नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #class10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं मैथ का NCERT का प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट प्रश्नावली 1.3 का आज मैं आप लोगों को सल्यूशन बताऊंगा जो कि अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है और हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रहता है दोस्तों। तो जरूर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मायने रखने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, समझने के बाद भी बहुत सारा ऐसा सवाल रहता है उसके मन में, कन्फ्यूजन रह जाता है, फिर भी उस सवाल को वह कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यानी कुछ ऐसा चीज़ है जो उसे रटना पड़ता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा कि जीवन भर आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.3 पेज नंबर 17 है NCERT का, ये किताब है मेरे पास, आप लोगों के पास भी जरूर होगा। तो ध्यान से मैं एक सवाल पढ़ता हूँ। सवाल नंबर एक, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों 5 के जगह पे कुछ भी रहे और ऐसा सवाल हो कि सिद्ध करे कि रूट इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो चलिए हम 5 को ही लेकर बनाते हैं क्योंकि प्रश्नावली 1.3 में 5 है, तो 5 को ही लेकर ही बनाते हैं। 5 के जगह पे 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है, और उसका पहला सवाल, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह सवाल में आपको दिया है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या जब भी होता है तो p/q के रूप में होता है, इसीलिए √5 बराबर p/q हम लिखते हैं। अब इस रूट को हटाने के लिए अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो √5 है इसका स्क्वायर कर दीजिए और p/q है इसका भी क्या कीजिए, तो दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 5 बचेगा और ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो p/q × q हम लिख सकते हैं, यानी p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर को हम q × q लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो समझिए, एक q को इधर ले आने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 5q बराबर p² बट्टे में एक q बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, 5q जो है वह आपका एक पूर्णांक है, जबकि p² / q जो है वह आपका एक भिन्न है, यानी कि बट्टा पर का भिन्न है, परिमेय संख्या है। तो दोनों हमेशा बराबर, पूर्णांक बराबर एक भिन्न नहीं हो सकता है, इसीलिए या करके लिखिए, चूंकि 5q क्या है तो एक पूर्णांक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। 5q एक पूर्णांक है जबकि p² / q एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है, इसीलिए पूर्णांक बराबर नहीं होगा, यानी डज नॉट इक्वल टू भिन्न, या इसी को पूर्णांक क्या था, 5q था, नीचे लिख लीजिए, या करके नीचे लिख लीजिए, 5q डज नॉट इक्वल टू p² / q, ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। इसके नीचे लिखेगा, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय
संख्या है, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। देखिए कितना आसान था, इससे ज़्यादा आसान कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पर हो ही नहीं सकता है, और आप कहीं देखे भी नहीं होंगे। ज़रूर आप इस तरह से अगर करते हैं तो ऐसा सवाल रूट पाँच वाला कितना भी हो आपके सामने टिक नहीं सकता है। रूट पाँच के जगह पे रूट तीन भी दे सकता है, रूट सात भी दे सकता है, रूट ग्यारह भी दे सकता है, और रूट दो भी दे सकता है। तो दोस्तों सेम टू सेम जैसे मैंने इसे बनाया वैसा ही आपको इसे बनाना है। देख लीजिए चार तरीका का सवाल आपको बन जाएगा, सिर्फ संख्या बदल जाएगा। पाँच के जगह पे तीन हो जाएगा, सात हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, दो हो जाएगा, और इसी तरह से बस इतना आप याद रख लीजिए, इस सारा का समस्या का समाधान सिर्फ एक ही सवाल से आपको हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह के सवाल को यानी क्वेश्चन नंबर दो को ध्यान से देखते हैं, और वैसा सवाल जो प्लस वाला है, माइनस वाला हो, प्लस वाला हो, कुछ भी हो, आपसे जरूर चुटकियों में बनेगा, इससे भी आसान तरीका से। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसे भी हम मान लेंगे, माना कि तीन प्लस दो रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, माना कि तीन प्लस दो रूट पाँच एक परिमेय संख्या है, हम जानते हैं, इसीलिए परिमेय संख्या होता है p बाई क्यू, और इसमें देख लीजिए इस तीन को अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा इतना, बस उससे भी ये आसान है। अब दोस्तों इसे देखिए, दो रूट पाँच जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी अभी मैंने रूट पाँच को सिद्ध किया था आप लोगों को, आप लोग भी जानते हैं क्या है दो रूट पाँच, यानी रूट पाँच अगर अपरिमेय तो ये पूरा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, जबकि जबकि p बाई क्यू माइनस तीन परिमेय संख्या या भिन्न है, परिमेय संख्या या भिन्न है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि तीन प्लस दो रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। अतः तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, बस ये आपका आंसर यानी कि प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड सिद्ध करने के लिए कहता था तो प्रूव्ड कर देंगे, हो गया ना, उससे भी आसान, बहुत आसान दोस्तों। और आप वो भी गलत नहीं है कि विरोधाभास जहां से उत्पन्न होता है, किताब सब में अक्सर लिखा रहता है कि इससे हमें अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या बराबर भिन्न जो है इससे हमें विरोधाभास होता है। तो एक ही बात हुआ कि दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। बस एक लाइन यहाँ छूट गया है, क्या अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या जैसे हमें लिखे थे, इसके बाद जो आप लिखेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ऐसे लिखेंगे या करके लिखेंगे दो रूट पाँच डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है p बटे क्यू माइनस तीन, इसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, बस ये दो लाइन आपको लिखना है। जब भी अपरिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय तो दो रूट पाँच आया था और ये परिमेय भिन्न संख्या जो है ये आया हुआ था, तो ये हमेशा कभी बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि तीन प्लस दो रूट पाँच जो है वह परिमेय संख्या है, अतः इतना जो है एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर है वो बहुत ही आसानी से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीन सवाल है और तीनों को देख लेते हैं दोस्तों आसान तरीका से। दोस्तों इसी सवाल को देखिए, तीसरा सवाल का जो तीसरा सवाल है वह सेम टू सेम सवाल है, बस कुछ संख्या अलग है, बाकी लिखेंगे ऐसा ही, ध्यान से देखिए कैसे। चले तीसरा का तीसरा देखिए, मैंने सिर्फ संख्या को मिटा दिया है, बाकी सारा चीज़ वही है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर दो बनाया था, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा कहता है कि सिद्ध करें कि 6+√2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या पी बाई क्यू होता है। 6 को उधर ले गए, -6 हो गया, √2 बच गया। तो दोस्तों √2 चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बाई क्यू -6 परिमेय संख्या या भिन्न है, इसीलिए अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, या √2 बराबर नहीं होगा पी बटे क्यू -6। इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है और ये प्रूव्ड हो जाता है। था ना दोनों सवाल एक ही, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल दोनों सेम सवाल था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला और दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहला बताया प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर सवाल, वैसा ही क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला बनेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 बराबर पी बाई क्यू हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर, स्क्वायर दोस्तों करते हैं, दोनों तरफ कर दिए, स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर अगर हम करते हैं दोस्तों तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो यही 2 बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू गुना क्यू, ऐसा इसलिए किए सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्यू होगा, और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2p² हो जाएगा, या करके लिख दिए। तो क्यू क्या है, तो एक पूर्णांक है, जबकि 2p² / q एक भिन्न है, यानी कि परिमेय संख्या है, इसीलिए पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होगा भिन्न, या करके लिखिएगा इसके बाद, या क्यू डज नॉट इक्वल टू 2p² / q। इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा पहला सवाल था वैसा ही तीसरा का ये पहला सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी जो है सेम टू सेम इसी पे बनेगा, सिर्फ संख्या का फेरबदल है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो दूसरा सवाल है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या होता है तो पी बाई क्यू लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसा मैंने पहला बताया था, सेम टू सेम वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होगा। कैसे होगा वो देखिए, अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बराबर में 5 बचेगा, तो गुना 5 हो जाएगा, बराबर p² और नीचे में q गुना q। सिद्ध करने के लिए एक q को इधर ले आए, गुना करने के बाद 245, एक q को इधर ले आए तो ये हो गया 245 q बराबर p² / q। तो दोस्तों ये आपका एक पूर्णांक है, जबकि ये क्या है, एक भिन्न है। तो इतना एक पूर्णांक है, जबकि इतना एक भिन्न है, मैंने लिख दिया, इसीलिए पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न होगा, यानी कभी बराबर नहीं हो सकता है, या दोस्तों इतना बराबर इतना नहीं होगा जो दिया हुआ था। इस चूँकि इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सवाल अपरिमेय संख्या अब कैसा भी आपके पास रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से उसे कर पाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डॉट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कोई डॉट या कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।